ईशान में स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। इतना ज्यादा मुझे दुख तब भी नहीं हुआ था जब मैंने अपना क्वीन का थ्रोन छोड़ा था, जितना दुख मुझे आज हो रहा था। It's okay, don't worry. We all have this tent on the ground together. Imagine अगर करिश्मा के हाथ में पार आ गए। वही वैसे ही बहुत डिप्रेस थी, पता नहीं इतना उसने दिल पे ले लिया कि क्या हो गया। और फिर एक स्क्रोल आता है, ओके, गिविंग ऑल द गर्ल्स ऑफ द विला अ यूनिक चांस टू शॉप एट एंड सेट अप फॉर देयर डेट विद द किंग। वी वांटेड टू मेक इट लुक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट एंड वेरी स्पेशल एट द सेम टाइम। और हमने कैंडल्स मंगाया, काफी सारी डेकोरेटिव चीजें मंगाई। फिर फाइनली हम लोग डेट के लिए निकले। फाइनली हम डेट की लोकेशन पे पहुंचे और हम तीनों ने मिलके बहुत मेहनत से सेटअप किया, कैंडल्स जलाई, बहुत अच्छे से वो सारी बैठने की जगह बनाई, बहुत मेहनत करी। तुम्हें पता है आज मेरी सिचुएशन कितनी बुरी हो जाएगी, तुम तीन मेरे पास खड़े हो। अब ऐसे मौके पे डेट आ चुकी थी जहाँ पर फन से ज्यादा टेंशन थी, तो मुझे अब गेम दिमाग से खेलनी थी। और ईशान के साथ कैसे चल रहा है? जैसे ही हम ऊपर निकले, 2-3-4 मिनट हुए, ईशान के तो मेरे हाथ दर्द कर रहा है। 5 मिनट बाद छोड़ दिया उसने हाथ। एंड तक मैं उसको पकड़ के पैर से हाथ से मैंने पकड़ा हुआ था, फिर मैं कितनी देर पकड़ती अकेले। ईशान फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, वो इसने आज तक कभी ऐसा किया नहीं। मुझे पता है, मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे जीतना है। ईशान से मेरी बहुत क्लियर बात है, जब जरूरत थी तुझे प्रायोरिटी देने की मैंने अपना थ्रोन छोड़ा था, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटी गेम है। आप क्या चाहते हो, किसको सेव करूं? Of course you have to save me. कितने ड्रामे मार दिए थे वाले। सो आपने मुझे कितना मिस किया, सीरियसली झूठ नहीं बोलना। बहुत बहुत। इस गेम के बाद हमारा कनेक्शन कहाँ तक जाता है? This thing must be beyond, obviously. You want कि हमारा आगे मतलब कनेक्शन आगे रहे अच्छे से? Yeah. बहुत मुश्किल चली जाती है। एक दिल में छुपा कहीं प्यार है। We had fun, but Prince was in tension because we three of us on dumping ground. So I know how difficult it is for him to dump one girl. अब ऐसा है कि मुझे किसी एक के साथ सीक्रेट स्पेस में जाना है। अच्छा, तो सब हुई, आज तुम्हारे साथ जाऊंगा। अनु की उनका कनेक्शन है, तो वो सुबुही को क्यों लेकर गए? That was like shocking. क्योंकि अनु की को मैं जानता हूँ, मुझे मतलब कि क्या है। For me it was unexpected, but I trust him and Subbu is my friend. When we are leaving, we took a selfie. It was a very cute memory. Okay. Last time. Bye. 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 I think मुझे कहीं ना कहीं expected था कि Prince मेरे साथ जाएगा, क्योंकि शायद वो थोड़ा और clear होना चाहता था कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। अबे मुझे ऐसे फैसले लेने थे, तो वही उन तीनों में से ऐसी थी जो सीधा थी कि मैं जीतना चाहती हूँ, और चाहे हम एक दोस्ती को लेकर जीतें, चाहे एक कनेक्शन से जीतें। डेट से सारी लड़कियां वापस आ गई पर सुबुही नहीं आई थी, तो सबने कहा सुबुही गई है सीक्रेट स्पेस में प्रिंस के साथ, तो मैं भी इनसिक्योर फील कर रहा था। सीरियस है? कितनी देर से? काफी देर हो गई है, देयर स्टिल देयर। देखो क्या गेम बन गया। ईशान को थोड़ा बुरा लगा कि वो उसको छोड़ के अब आगे बढ़ेगी, इसलिए वो प्रिंस को मस्का मारने गई है। फाइनली काफी देर बात करने के बाद जब नींद आने लगी हम, तो हम लोग वापस आए। मैं उसकी वेट कर रहा था कि आके बताए कि क्या हुआ, देन जब वो वापस आई तब
I went to her room. How was it? उसने बोला just in case if I save you, उसके बाद I'll tell you to you know per do a competition with me, will you? I said yeah, if it's about competition then I will. These little things मैं बहुत काउंट करता हूँ और मैं देखता हूँ ये आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं. तब मैं बस मन में सोच रहा था, मैं क्या ठीक है सेल्फिश हो ना सेल्फिश हो. इसने एक बार ही पूछा मैं कैसा हूँ, बस शक्ल बना के बैठी है. और लड़कों का क्वीन के साथ डेट पर जाने का, सभी अंतिम लड़के तैयार होकर आ जाए. इस डेट का मेरे लिए सिर्फ एक ही मकसद था, वो था इन लड़कों की लॉयल्टी जानने का. हाउ लॉयल यू आर टू सुबोई. मैं तेरे से आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. सीक्रेट स्पेस में गई जब हमारा ये कनेक्शन वाला टास्क हुआ था, तब वो कह रहे थे कि हमने देखना है सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसका है. तो बेसिकली वहाँ पे एक अकेला लड़का नहीं परफॉर्म करता, लड़की इट वॉज 50-50 राइट. वो चिल्ला के बोल रही है गिर रही हूँ, पकड़ 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 मेरे पे लियो ना, लिटरली डीमोटिवेट कर रही है वहाँ पे. डोंट यू थिंक उसने तुझे जानबूझ के डंपिंग में भेजा. नहीं क्योंकि जब तू बैनिशमेंट में था तो उसने बोला था, उसने जब तू गया ही था उसी दिन की बात है ना, कि साम दाम दंड भेद मेरे को जीतना है. ईशान से जब पूछा गया था कि आप विला में वापस क्यों आना चाहते हैं, तो ईशान चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सुबह ही सुबह ही सुबह ही. अबे गेम खेल रही है भाई वो गेम. यू गॉट अ कनेक्शन राइट, यू डन विद इट और यू वांट टू विन. आई वांट टू विन. यू वांट टू. मैं तभी तेरे को कह रहा हूं, अगर मेरे को ऑप्शन आई ना लास्ट में सुबह ही या करिश्मा, आई एम गोना चूज करिश्मा. मुझे ऐसा लग रहा था व्हूप व्हाट इज दिस. डंपिंग में जिस लड़के ने मुझे इतना कुछ बोला वो आज मेरे साथ इतना स्वीट हो रखा था. मेरे दिमाग में एक तगड़ी गेम चली. करिश्मा को ये मैंने डील इसीलिए रखी क्योंकि वो मेरे से इंप्रेस हो जाए और मेरे को शायद सेव कर ले. उत्कर्ष तू अपना कनेक्शन तोड़ क्यों नहीं देता सना से, मेरे साथ पैर अप कर ले. मैं तुम्हारे साथ जीत सकता हूँ लेकिन मैं जीतना नहीं चाहता, मैं जीतना उसी के साथ चाहता हूँ. वो डे वन से यही बात बोल रहा है और वो अपने वर्ड्स पे था, व्हिच आई रियली लाइक. जान या हाउ बैडली यू वांट टू विन. यार देखो आई वांट टू विन, इवन आई वांट टू. मैंने प्रिंस को चैलेंज किया, स्प्लिट्स वाला हिट तू नहीं मैं जीत के जाऊंगा. The thing is, I really want to win this game, and you know it. हमने प्रॉमिस किया था तू क्वीन बनेगी सबकी बजेगी, बजा रहे हैं, बजाते रहेंगे, क्या? और ये गेम जीतेंगे. कौन जीतेगा? करिश्मा तलवार एंड जान खान, क्या? मुझे दोस्ती का असली मतलब पता है. मैं ऐसा दोस्त नहीं हूँ कि अपने दोस्तों के ही पीठ पीछे उनके बारे में गंदी गंदी बातें करूँ. Okay, so I have an option of taking one guy to secret space. I'll take Zan. जब करिश्मा ने जान को चुना सीक्रेट स्पेस में ले जाने के लिए, तब I was feeling scared कि हम डंप ना हो जाए. जान has always been sweet to me. जब से हम कनेक्टेड हुए हैं तब से, और कुछ प्लानिंग्स करनी थी, कुछ प्लॉटिंग्स करनी थी. मेरे को पता था मैं जाने वाला हूँ, गलती सारी मेरी थी और मेरे वजह से आज सना डंपिंग जोन में खड़ी होगी. मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा था अंदर से. सिर्फ मैं सना को दिल से सॉरी बोलना चाहता था. मेरे को स्क्रॉल आया की तरफ से, उत्कर्ष को एक मौका दे रहे हैं अपनी प्यारी सी सना के लिए प्यारा सा गिफ्ट खरीदने का. वी होप दिस गिफ्ट वुड मेक हिज बॉन्ड स्ट्रॉन्गर. मैंने सोचा कि मैं उसे ड्रेस गिफ्ट करूंगा जो कि वो पहन के मेरे पास आएगी और हम बैठ के बातें करेंगे या फिर पूल साइड घूमेंगे. सो मैंने उसके लिए गिफ्ट बुक किया. तड़ा कुछ भी खरीद सकते हो किसी के लिए भी. क्या खरीदा तुम्हारे लिए? देख लो. देखो तो है, कितना जानते हो तुम्हें. उन्होंने
से मेरे लिए ड्रेस और दो तीन टॉप्स ऑर्डर किए जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी थे. दिस इज सो प्रिटी. रियली थैंक यू. आजा फिर एक चप्पी तो बनती है. वो बहुत खुश हुई, उसे ड्रेस बहुत अच्छी लगी. इससे बढ़कर और क्या चाहिए. Hello. Hi. Good evening, everybody. Splits villains, welcome to the dumping ground. MTV Splits Villa 8, co-presented by. Powered by. Last dumping ground. अगर ये सर्वाइव कर जाएंगे तो सीधा फिनाले में पहुंचेंगे. आई मीन आफ्टर दिस नो डंपिंग जोन, नो बुक ऑफ फॉर्च्यून. सब काफी सहमे हुए थे, डरे हुए थे. दिमाग खराब हो रहा था, हमें पता नहीं था अब रोएं हंसें कि क्या करें. अभी बात करते हैं डेट्स. कैसी थी डेट्स? इंटरेस्टिंग. ईशान ने मुझे बोला कि अगर उसे चॉइस मिलती है मेरे या सुबोही में से तो वो मेरे साथ कम्पीट करेगा. ईशान को लगता है सुबोही इज प्लेइंग. नो, क्योंकि सुबोही मुंह पे कहती है गेम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट? तो मैं भी जीतने आया हूं, सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट साइड. आई थिंक दैट ईशान माइट जस्ट बी कीपिंग हिज ऑप्शंस ओपन. जान ने मुझे बताया कि सुबोही पीठ पीछे ईशान को बहुत सारी गालियां देती है. Really? Yeah. Never. Deep down, मुझे इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करना था. अदरवाइज वो मेरे लिए आगे चल के गेम में खतरा बनते दोनों. एक तरफ से प्यार और दूसरी तरफ से गालियां. Son, when did I abuse? नहीं, abuse नहीं. उसने उसके साथ देखा था बैठे हुए ईशान को. हाँ, चिपक के. चिपकता हुए सोफिया के साथ. Obviously, लड़की है, बुरा लगेगा. एक मिनट, चिपकते हुए मतलब? चिपक नहीं, they are friends. हम पांच जने बैठे थे मेरे रूम में. हम पांच जने थे रूम में. तो मुझे जो बताया मैं वो बताऊंगा ना. Then she said कि यार अब टाइम आ गया, मैं भी गेम खेलूंगी, मैं भी बजाऊंगी. I don't give up. सारी चीजों को. But I didn't abuse ईशान. No, Zan, don't lie. Just say it. Whatever you told me. मैं बता दूँ, जब से मैं कल रात से सीक्रेट स्पेस से आई थी, ईशान मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, तो मैं बहुत अपसेट थी सुबह से. सबको, आई थिंक एवरीवन नोज दैट आई वाज अपसेट. तो हम बैठे हुए थे, तो मैंने इसको सिर्फ इतना बोला था कि ठीक है, अगर उसके लिए अब वो दूसरे लोगों के साथ जाके बैठा है, सो इट्स टाइम फॉर मी कि अब मैं कनेक्शन ना सोचूं और मैं अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करूं. I did not abuse Ishan, never. नहीं यार, ये तो सुबोही ने क्लियरली बोला था मेरे सामने कि यार आज अगर मैं डंप होती हूँ, सबके असली चेहरे खोल के जाऊंगी, सब के जाऊंगी. मैंने कहा था बजा के जाऊंगी, बजा के जाऊंगी. और हाँ, एक सेकंड, और सब में तू भी आता है ना, तूने अभी बोला तो सुबोही said जान, I don't have any problem with you. नहीं, ये मेरे वर्ड्स थे ही नहीं. मैंने बोला अगर मैं आज डंप होती हूँ तो मैं सबकी बजा के जाऊंगी. जिस जिसकी असलियत है मुझे पता है, सबकी बजा के जाऊंगी. वन सेकंड. जान ने पूछा तू मुझे भी बोल के जाएगी. आई सेड नो. एंड आई रिमेंबर ही आस्क्ड यू टू अब्यूज एनीवन. यस, आई सेड नो, आई विल नॉट अब्यूज एनीवन. झूठ के बोल रहा है. कब बोला मैंने झूठ? मेरे तू यहाँ पे लड़ाइयाँ बना रहा है, उसको कह रहा है की गालियाँ निकाल रहे, एग्जैजरेट करके तू. मैंने जो बात बताई वो क्लियर थी ना. Never, yeah? Ever abused Ishan. Never, ever. And I know her. But Ishan, date ke baad kya hua? Kya matlab? In what sense? Date pe to you were quite sad. Kyun date pe aapko kya lag raha tha ki Ishan was not happy? He was totally against Subohi. Abhi tune pehle kaha tha normal, pehle achhi baatein bhi kari hai girl. Ab tu keh rahi hai totally against.
जहाँ तक आया हूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं जीत के जाऊँगा। हम लोग बहुत जल्द किंग और क्वीन को बोलेंगे कि आप में से किसी को डंप करें। क्या कोई वो चांस लेना चाहता है कि वो बुक ऑफ फॉर्चून खोलें? आप खोलना चाहती हैं? I believe मेरी intuitions बहुत strong है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बुक खुलनी चाहिए। Ready guys? Yeah. The news today is good and bad. Let's start with the good, and it has to say, no boy shall leave the villa today. The king will do as he normally would. Her Highness does more than she normally could. The news for the girls is thus not good. Now two will go where one should. The king names one and one the queen. Finish and come back. There's more to be seen. बेसिकली दो लड़कियां जाएंगी, एक किंग डंप करेंगे और एक क्वीन। I was so happy, डंपिंग जोन में था, बुक ऑफ फॉर्चून खुली, एंड दैट टू मैंने नहीं खुलवाई थी, दूसरे लोगों ने खुलवाई, एंड आई एम सेफ। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उत्कर्ष, ईशान, जान यहाँ पे आकर बैठ जाइए। वेलकम बैक टू स्प्लिट्स विला। लड़कियां डंपिंग जोन में खड़े हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर यू थ्री। प्रिंस, मेक अ डिसीजन ऑन हु यू वांट टू डंप। ये आखिरी डंपिंग राउंड है, आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट है मेरे लिए। तीनों के साथ मेरा अलग तरह से कनेक्शन है और ऑप्शन मेरे पास एक भी नहीं है। Guys, I hope कि तुम मुझे समझो, प्लीज मुझे गलत मत लेना। आज मैं सना को डंप करूं। प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो मेरे सामने दो कनेक्शन बैठे हैं, ईशान का भी कनेक्शन है, किसी को भी निकालूंगा बुरा लगेगा। आई थिंक ईशान के कनेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग उत्तू और सना का कनेक्शन है। अभी तुम फिलहाल अपनी सोच रहे हो क्योंकि सुबोई को तुम्हारे साथ। हाँ, तो मैंने बोला कि ये गेम उस पॉइंट पे आ चुकी है कि जहां पर तुम्हें गेम खेलना है। सना, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? मैं प्रिंस को जज नहीं करूंगी, उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, और मैं उत्कर्ष को ये बोलूंगी कि बी स्ट्रॉन्ग, गिव योर 100%, आई वांट यू टू प्ले एंड आई वांट यू टू विन। उत्कर्ष, आपने भी कहीं यही बोला था कि मैं जीतना चाहता हूं तो सिर्फ सना के साथ जीतना चाहता हूं। अब क्या होगा उस बात का? आप किसके साथ जीतोगे, क्या करोगे आगे? आई जस्ट वांट टू नो योर प्लान। मैं जाना चाहता हूं। No ways. No. उत्तू।
वो तो मेरे साथ नहीं तो मेरे लिए तो जीत जाओ। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी। चलो तुम्हारे साथ। बोलो, अरे किस उसके चुड़ैल के साथ खेलूंगा क्या? प्लीज दे, गिव इट अ ट्राई, मेरे लिए तो जीतो यार। ऐसे आऊंगी ना फिनाले में तुम्हें चीयर करने के लिए। चलो खेलूंगा, मैं देखना। उत्कर्ष, क्या डिसाइड किया? Do you want to stay and take your chances or leave with a woman you love? Main jana chahta hoon. Baahon mein nangi si ek jaan ho. Mere dil mein jagah khuda ki khali. Very proud of you. प्यार तूने दिखा दिया क्या होता है, जिस वजह से मैं स्प्लिट्सविल आया था। हार जीत नहीं, शो है क्या है, doesn't matter. प्यार देखने आया था और प्यार दिखा। थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू सना। आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग व्हेन यू सी टू पीपल कम टुगेदर। ऐसे connection hota hai, friendship hoti hai, and then slowly slowly it turns into something beautiful. And you two truly are, main dil se keh rahi hu, you are my favorite couple. I'm so proud of you two. Tum dono jeet gaye ho yaar, मैं फिनाले में जाने की जरूरत भी नहीं है, तुम उससे पहले जीत गए। जाए ना जाए ना जाए ना हो रे प्यारे। मैं सीरियसली नहीं चाहता था कि उत्कर्ष और सना अलग हों। मेरे लिए दोनों ही विनर्स थे, क्योंकि उनका सबसे अच्छा कनेक्शन लव स्टोरी है, उनके सबसे क्यूटेस्ट कपल है वो यहाँ के स्प्लिट्सविल के। सबूही अनोखी, आप दोनों को कुछ बोलना है क्वीन को? नो, मुझे जब बोला गया कि आप करिश्मा को कुछ बोलना चाहते हैं तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं अपना सर कटवा लूंगी लेकिन कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगी उस औरत के सामने, बिकॉज शी इज अ लूजर। द क्वेश्चन इज करिश्मा गोइंग टू डंप कंपटीशन या कनेक्शन जो प्रिंस के साथ है? शी इज द रिवेंज फॉर क्वीन, सो क्या मालूम है क्या करेगी। करिश्मा, प्लीज गिव अस योर डिसीजन। अनुके, मैं जीतना चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसे ही नहीं कि कोई भी आके कंपटीशन करे और मैं जीत जाऊँ। मुझे चाहिए कि अगर मैं किसी के साथ कम्पीट कर रही हूँ वो स्ट्रांग हो, जो कि सुबोई है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी सुबोई जाए, देयरफॉर आई डंप अनोखी। आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड because agar main wo position mein hoti I would have just taken out my competition. I don't know Krishna, agar aapne ek itni badi si fatal error ki hai or just a really silly one, because your reasoning actually doesn't make any sense. No, I think because of I made connection with Prince, it's a reason, nothing else. If you think so,
well and good. So it was a revengeful decision. Subui. Why are you crying? पूरे विला में सब लोग कहते हैं जब से मैं विला में आई हूँ द होल विला सेज दे बोथ ईट टुगेदर स्लीप टुगेदर डांस टुगेदर फाइट टुगेदर डू एवरीथिंग टुगेदर एंड वी हैव बीन डूइंग एवरीथिंग टुगेदर जब मेरी लड़ाई होती है कहीं पे भी विला में किसी से भी अनुकी को रीजन भी पता नहीं होता है और अनुकी आती है और बोलती है क्या कर रहे हो पागल हो एक थप्पड़ मारूंगी इतनी अच्छी दोस्त है आप उनकी जगह लेना चाहती हो? If she wants, I will. No. आप तो हमेशा से बोलती आई है मैं जीतने आई हूँ मुझे जीतना है कनेक्शन से भी मतलब नहीं है But with her, it's very different. अनुकी No. You don't want to win, Anuki. Not like that. I got dumped, so I want to go, and I want her to win. It does not matter if she will win or not. For me, already she is a winner. So, no. देखा क्या बोला था मैंने कि प्यार देखने आए हैं हम लोग स्प्लिट्सविला में एक लड़का और लड़की के बीच का प्यार देख लिया अभी एक दोस्ती का वाला प्यार भी हमने देख लिया Girls are so close. It's amazing, yaar. Lots of love today in the dumping ground. Anuki, Karishma ne aapko dump kiya. Do you want to say anything to her? No, I don't want to waste my time. Don't, honey. I'm not your honey. The door is right there. Bye-bye. Really? I can't see door. Really? Blind or what? Yes. Please. Okay. Wo ja rahi hai. अगर चाहते तो रिस्पेक्ट दे सकते किसी को अरे हु इज टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट प्रिंस प्लीज डोंट वेस्ट टाइम उसकी फेक स्माइल भी यार देखने में गुस्सा आता है यार तुम्हारी शक्ल देखने में गुस्सा आता है हर किसी को तो फिर मत देखो यार देखना पसंद भी नहीं है यार मुझे भी नहीं है मैं थोड़ी ना मर रही हूं देखने के लिए मैं हर बार मेरे गलत फैसले तुम यहां बैठे हो और मुझे आज उस पे और गुस्सा आता है कि शायद मेरा फैसला ही मेरे कनेक्शन को अलग लेगा क्या हो गया प्रिंस इमोशनल हो गया ऐसा लग रहा है कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं कि वो बोलने से ज्यादा नहीं दिखते तो मेरा अनुकी साहब वही कनेक्शन था विला में हमारी एंट्री हुई थी तो इसका जान के साथ कनेक्शन स्टार्टिंग में हुआ था मैं इससे बहुत कम बात करता रहा पर जैसे ही इनके बीच में कुछ बात हुई और मैंने जब एक फैसला लिया कि मुझे इसके साथ नहीं खेलना तो मेरा कनेक्शन उसका बना मैंने इसको समझने की कोशिश करी एंड मैं ये कहूँगा कि वो विला में सबसे अच्छी लड़की है एंड आई थिंक आई लव हर Yes. सब मेरे दोस्त हैं पर तुम्हारे लिए जो मैं फील करता हूँ वो मैं आई थिंक मैंने विला में किसी के लिए फील नहीं किया और मैं ये खुल के बोलता हूँ जैसे पहले मुझे कहा था कि तुम छुपा रहे हो मैं छुपा नहीं रहा मैंने कहा था जब मुझे प्यार होगा तो मैं खुल के बोलूंगा एंड मैं बोल रहा हूँ आई एम इन लव विद यू बातें कुछ अन कहीं सी कुछ अन सुनी सी होने लगी You love her or you are in love with her? Yeah, I'm in love with her. हस्ती हमारी वो जैसी भी है वो कुछ भी करती है वो मुझे बहुत क्यूट लगता है तू बोल रहा है you're in love with अनुकी और सुबुही को सीक्रेट स्पेस में लेके जाता है या क्योंकि उसको लेकर मेरे मन में कोई डाउट नहीं है मुझे पता है कि मुझे यहाँ से निकल भी उसके साथ रहना है तो मुझे सिर्फ इस गेम के लिए मैंने सीक्रेट प्लेस के लिए उसको ले गया था सुबुही को उसके अलावा कुछ नहीं है मुझे पता है कि वो मेरी अच्छी दोस्त है और मैं इसका कनेक्शन बनाना चाहता हूँ वो विला के बाहर होगा विला में नहीं हो सकता आप जाना चाहते हो सर यस अनोखी शॉक हैप्पी सरप्राइज सरप्राइज आई डिड लाइक हिम सो आई विल सी यू वेरी सून एंड विश यू ऑल द बेस्ट आप नहीं चाहते कि आपके साथ आए जैसे उत्कर्ष और सना एक साथ जा रहे हैं नो क्यों आई वांट हिम टू विन दिस शो
देसी मुंडा अंग्रेजी मैम। सुबुही कंग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं, आपको डंप नहीं किया करिश्मा ने। वेलकम बैक टू स्प्लिट्स विला सुबुही। बुक में एंड में क्या लिखा था? कम बैक। तो जाने से पहले वी गो बैक टू द बुक। होपफुली इट्स फॉर्च्यून दिस टाइम एंड नॉट सो मिसफॉर्च्यून। रेडी? द फाइनल टाइम नाउ स्पीक्स द बुक। I empower the two whose name you took. I do all this for a simple reason. Power to women was always the flavor of the season. The final twist, I thus redeem fit. On the two thrones, now two queens will sit. The flavor of this season thus persists as these two girls become the first two finalists. The current royalty shall no longer hail. To the villa, they go as a final twist in the day. So iska meaning hai, Anuki and Sana become our two queens, who are our first two finalists in Splits Villa 8. Ek aisa twist aaya, jo unbelievable tha. Seriously, Splits Villa की दो नई क्वीन जो सीधे फाइनल में जा रही हैं। I was literally speechless. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये एकदम से क्या हो गया। It's good to see that love has won today. सबसे पहले तो उत्कर्ष इधर आ जाओ वापस। सना, प्रिंस ने आपको डंप किया था, कुछ बोला था तो प्रिंस को, दैट यू आर बैक। इसी के साथ करिश्मा को कुछ बोलना है? सना, प्रिंस ने आपको डंप किया था, कुछ बोला था तो प्रिंस को, दैट यू आर बैक। इसी के साथ करिश्मा को कुछ बोलना है? हाय हनी। I performed. What did you do? Yeah. I also did nothing and you are the queen. I won. Shut up. I think it was biggest slap for Karishma because of she used to say that I don't know why she's here. Like, she's a dumb. And I wanted to say that, honey, I'm here. Let me make a request, please. Please. क्या मैं अनुकी को यहाँ पर एक बार बिठा सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं प्रिंस हूँ तो वो प्रिंसेस है और अगर मैं किंग हूँ तो वो क्वीन। गो फॉर इट। कदी ते हस बोन वे ना जिंद साडी रोन वे बेकार मेरे पानिया
सर आपने ऐसा कर ही दिया तो आप भी वापस A revengeful queen has been dethroned. So please welcome back to the villa. सना, ये आपकी जगह है, आप जाना चाहती हैं यहाँ पर? पहुंचा दे भाई। होना लिखा था यू ही जो हुआ, या होते होते अभी अनजाने में हो गया, जो भी हुआ हुआ जी, तुझे चाहूं कैसा लग रहा है आपको करिश्मा वापस आकर? Not so good, but I'm happy. क्योंकि जान के साथ ज़्यादा टाइम मिलेगा। उन दोनों को वहाँ पे देखकर कैसा लग रहा है? Sana, I'm happy. I'm good. And okay, I'm useful. आपने डब किया तो? Yeah. और बोला था बाय बाय गेट वहाँ पर है। I just want to say that she said that I don't deserve to be here. I just want to ask why. I never said that. You don't deserve to be a queen. You said that. No. You said that you don't deserve. I said I performed and I won the competitions. That's what I said. उसकी वजह से क्वीन नहीं बने तुम. Because of Prince, you were your queen. तो अब क्या पैर चाट लूँ उसके? वो भी तो बुक ऑफ फॉर्च्यून की हां तुम भी तो बुक ऑफ फॉर्च्यून की वजह से बनी हो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट टेल इसे बहस मत करो कोई फायदा नहीं है मेरे को कहीं लगता है कि अनुकी ने एक कनेक्शन बनाया बहुत स्ट्रांग और वो स्ट्रांग जो कनेक्शन था वो प्रिंस के साथ बनाया दैट मींस शी परफॉर्मड इन स्प्लिट्सविला बिकॉज़ स्प्लिट्सविला में कनेक्शन बनाना ही परफॉर्मेंस भी है फॉर मी इफ कनेक्शन ये है तो फिर आप सुबोई के साथ गेम प्लानिंग नहीं करते जैसे उत्कर्ष और सना दैट आई कैन से इट्स अ कनेक्शन जिनके कनेक्शन नहीं बनते एक्चुअली में उनके पास बातें यही रह जाती हैं आप खुश हो प्रिंस की आप किंग नहीं हो यस आई एम हैप्पी मेरे का वो बैठे हैं एक ही बात है सो लेडीज पहली बार स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में दो क्वीन है क्यों इतनी खुश हूँ क्योंकि आई लव लव एंड जब ये सामने आता है इट इज प्रॉबली द मोस्ट द क्यूटेस्ट द मोस्ट अमेजिंग जस्ट आई लव इट लाइक आई गेस दैट्स व्हाई आई एम डांसिंग अप हियर एंड दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड एंड आई थिंक दो बॉयज के लिए आज वो ही हुआ